उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद सरकार ने शक्तिकांत दास को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में दास के नाम की घोषणा होते ही विवाद शुरू हो गया। शक्तिकांत दास के गवर्नर बनाए जाने का विरोध विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दास की नियुक्ति पर नाराजगी जताई है। वहीं तमाम विवादों के बीच बुधवार को शक्तिकांत दास मीडिया के सामने आए और अपना विजन बताया। The RBI is a great institution. It has got a very long legacy, a very rich legacy. And I will do everything that is possible. I will, you know, I'll try and uphold the professionalism, the core values, the credibility and the autonomy of the Reserve Bank as an institution. वहीं सरकार और उर्जित पटेल के बीच हुए विवादों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं विवाद पर नहीं जाऊंगा, मेरा मकसद रिजर्व बैंक की गरिमा बनाए रखना है। उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद जहां सेंसेक्स गिर गया था, वहीं बुधवार को सेंसेक्स 600 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1.75% मजबूत होकर 10,700 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।